आज 22 सितंबर 2024, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन स्वयं को बिल्कुल हल्का कर देंगे। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। बहुत काल का अभ्यास, जैसे ही शरीर और मन हल्का हो रहा है, ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे कि मैं अशरीरी हूँ, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ। मस्तक मणि निराकार सो साकार आत्मा हूँ मैं। आत्मा करावन हार हूँ, मालिक बन के इस शरीर और कर्मेंद्रियों को चला रही हूँ। ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, स्नेह के सागर शिव बाबा से स्नेह की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। करावनहार बाबा मुझ आत्मा को चला रहा है, मैं निमित्त हूँ और परमात्मा स्नेह के सागर में समा रही हूँ। ये परमात्मा स्नेह केवल संगम युग पर अनुभव होता है और मैं आत्मा सदा परमात्मा स्नेह में समाई हुई रहने के कारण सहज माया जीत मेहनत मुक्त हूँ। इस परमात्मा स्नेह के पीछे सब कुछ समर्पित करना मेरे लिए अति सहज है। पूरे दिन भर निराकारी अवस्था में रहकर कर्म करने से हल्की रहती हो और कर्म बंधन मुक्त होते जा रहे हो। जैसा समय वैसी विधि से दृढ़ता की शक्ति द्वारा त्रिकालदर्शी आसन पर स्थित होकर कर्म करने वाली सफलता मूर्त हो। सदा अंदर से भरपूर और तृप्त होने के कारण संतुष्ट बन, सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणि हूँ। हर एक आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में आती है, वो इस परमात्मा स्नेह के धागे में पिरोई जा रही है। बहुत सुंदर स्नेह रूपी आत्माओं का संगठन बन रहा है और बाबा बहुत प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख के बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, आपने कल्प कल्प स्नेह के सागर में समाकर अपने आप को माया की परछाई से मुक्त किया है, मेहनत मुक्त किया है। निराकारी निर्विकारी और निरंकारी के अभ्यास से ब्रह्मा बाप समान बनाया है। दृढ़ता से सफलता का अनुभव करने वाले त्रिकालदर्शी संतुष्ट मणि हो। बाबा की सभी दुआएं और वरदान हमेशा आपके साथ है
आपकी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।